पार्टी चौक पर पुलिस की पिटाई से बाइक सवार मैकेनिक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर पार्टी के भवानी हॉस्पिटल में हंगामा किया। इस वारदात से तनाव पैदा हो गया। मृतक मनोज हरिभाव ठोकर शारदा नगर पार्टी निवासी है। पेशे से मनोज के परिजनों के मुताबिक बुधवार शाम 6 बजे मनोज अम्बे नगर में बाइक का सामान देने गए थे। वहाँ से बाइक पर लौट रहे थे। पार्टी चौक पर नाकाबंदी चल रही थी। मास्क नहीं पहने होने से मनोज को पुलिस कर्मियों ने रोका। ठहरने की बजाय मनोज आगे निकलने का प्रयास करने लगा। मनोज की बाइक की टक्कर से पुलिस कर्मी जख्मी हो गया। मनोज भी बाइक से गिरकर चोटिल हो गया। इसके बाद पुलिस कर्मी मनोज को पार्टी चौकी में ले गए। मनोज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पार्टी चौकी में मनोज को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई है। इसके बाद पुलिस कर्मी मनोज को पार्टी थाने में ले गए। आरोप है कि वहां भी मनोज की काफी पिटाई की गई। इस बीच मनोज की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पुलिस कर्मी उसे भवानी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसका पता चलते ही लोग भवानी हॉस्पिटल में पहुंचे। वे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से मनोज की मौत हुई है। दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। परिसर के पार्षद पुरुषोत्तम हजारे भी वहां पर आए। उन्होंने मनोज की पत्नी को नौकरी तथा 20 लाख रुपए की निधि देने की मांग की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जोन 5 के उपायुक्त नीलोत्पल सहित भारी पुलिस बल हॉस्पिटल में पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने मनोज के परिजनों को प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मनोज के परिवार में पत्नी तथा 2 बच्चे हैं। आज संध्याकाळी जो है मनोज ठोकर नामक जो है एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति की पोलिसांच्या मारपीटमध्ये पोलीस हवालातमध्ये मृत्यू झाली। पोलिसांनी इथे पारडीच्या भवानी माता हॉस्पिटलमध्ये मनोज ठोकर नामक व्यक्तीला, जो पारडीचा स्थानिक रहिवासी होता, त्याला इथे ॲडमिट केलं। या निदर्शनामध्ये हे आलं की पारडी पोलीस स्टेशनच्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यासोबत मारपीट करून जे आहे त्याला इथे ॲडमिट केलं, जेव्हा तो मरणास्थितीमध्ये सन्न होता। आम्हाला जशी ही माहिती मिळाली, आम्ही सर्व स्थानिक रहिवासी इथे या भवानी माता मंदिर हॉस्पिटलमध्ये आलो आणि त्याच्या कुटुंबियाला सांत्वना आणि प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून हे निदर्शनामध्ये आलं की पोलीस तपास दरम्यान जे आहे मनोज ठोकरला अडवण्यात आला आणि तो जे आहे घाबरून जे आहे त्याचा बॅलेन्स बिघडून तो पडला आणि पोलिसांनी त्याला जे आहे मदत करण्याऐवजी त्याला मारहाण केली आणि पोलीस ठाण्यामध्ये नेऊनसुद्धा त्याला मारहाण केली। हे निदर्शनामध्ये आलं आणि इथे हा जनाक्रोश त्याचमुळे इथे जमा झालेला आहे। माननीय पोलीस सहायुक्त नवीनचंद्र रेड्डी साहेबांनी इथे आश्वस्त केलेलं आहे की जो मृतक आहे त्याची उद्या तहसीलदार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये, मजिस्ट्रेट साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये पोस्टमार्टम करण्यात येणार आहे आणि या पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये जे पोलीस कर्मचारी जर खरोखर मारपीटमध्ये सामील असतील त्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध कारवाई करून त्यांच्या विरोधात 302 कारवाई करणार आहेत, असं आश्वस्त आम्हाला आज सहायक पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी आणि माननीय पोलीस उपायुक्त साहेब नीलोत्पल साहेबांनी आमच्या सर्व जनतेला इथे आश्वस्त केलं आहे। नोकरी लागेपर्यंत जे शिक्षण आहे मी माझ्याकडून करीन आणि आता इथल्या नोकरी मी जिंकले नाही माझी, मी लवकर अजून त्या ज्यांनी हे केलं, ज्यांनी केलं त्याच्यावर कारवाई करायची मागणी मी सुद्धा सभागृहात करीन। या कोणा त्याला सस्पेंड करा, सीआयडी मार्फत चौकशी करा म्हणून, पण सरकारकडून जे मिळेल ते वेगळं, ते दोघांची जबाबदारी माझी। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।